अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आता है इसको जरूर दबाइएगा, और ये एब्सोल्युटली फ्री है। अगर सब्सक्राइब किया है तो ये टिंग 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 वाला बेल बटन आता है ना, इसको जरूर दबाइएगा ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद फिश पैशन। आज है सैटरडे एंड हैप्पी ओनम। जो केरला में रहते हैं, जो केरलाइट है, उनका आज ओनम है, तो इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज कैसे करके सेलिब्रेट किया मुझे जरूर कमेंट्स करना, तभी मुझे पता चलेगा क्या क्या किया, क्या क्या खाना बनाया और क्या क्या किया, मतलब कैसे करके एंजॉय किया। मुझे पता है केरला में काफ़ी सारे लोग इस साल उतनी अच्छी तरह से ओनम सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो केरला में हुआ है वो तो सबको ही पता है। आई होप नेक्स्ट ईयर जिन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया वो भी बहुत अच्छी तरह से नेक्स्ट ईयर सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाए और सेलिब्रेट करें। गुड आफ्टरनून, अभी बज रहे 1:05। क्या कर रही थी पता है? ये है ना, ये है, कुछ फ्रेंड्स मुझे पूछ रहे थे ये आपने कहाँ से लिया, ये कौन सा मटेरियल का है? ये सेरामिक का है, इस टाइप का है, येलोइश लेमनिश येलो कलर का, और बाहर का तरफ ग्रीन कलर का है, और अंदर थोड़ा साइनी साइनी टाइप का है, बहुत रफ रफ टाइप का है। ये मैंने लिया था फैब इंडिया से। ये मैं यूज करती हूँ फ्लावर फ्लोट करने के लिए। तो अभी देखती हूँ, शांतनु ने कल फ्लावर लाया था, क्या फ्लावर लाया, क्योंकि आज ओनम है ना इसलिए फ्लावर भी बहुत कम था इस साल। जो फ्लावर वाले है ना बोल रहे थे इस साल फ्लावर बहुत कम है, थोड़ा थोड़ा करके सबको दे रही हूँ। नॉर्मली पिंक पिंक फ्लावर आता है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ दिया है, ये देखो ये वाला फ्लावर, ये दिख रहा है आपको, ये वाला फ्लावर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये गाँव की तरफ से आता है। बता दूँ, कुछ फ्रेंड्स मुझे पूछ रहे थे जो ये जो कॉर्नर पे मैं फ्लावर रखती हूँ फ्लोट करके पानी के साथ, उसका कुछ मतलब रीज़न है क्या? ऐसा कुछ रीज़न नहीं है। हमारे घर पे मतलब बंगाली घर पे भी फ्लावर कुछ बोल के अंदर दे के भी फ्लोट किया जाता है, अच्छा लगता है। घर के किसी भी कोने पे या टेबल पे, मैं टेबल पे नहीं रखती हूँ एक्चुअली, टेबल पे रखे तो अच्छा लगता है, क्योंकि टेबल पे भी कभी कभार स्नैक्स खाते हैं, खाना खाते हैं, उस टाइम पे टेबल पे ज़्यादा सामान हो जाएगा। तो ऐसे ही भी मेरा एक बुद्धा का ट्रे जैसा है ना, तो उसके ऊपर और भी कुछ रखूँगी तो कुछ मतलब सर्व करने के लिए जगह नहीं बचेगा, इसलिए मैं टेबल पे नहीं रखती हूँ, इसी कॉर्नर पे रखती हूँ। नॉर्मली वो जो कॉर्नर है ना डोर के साइड पे वहाँ पे रहता है, लेकिन अभी वहाँ पे डोरमैट है, क्योंकि बारिश की वजह से एक अंदर पे डोरमैट भी रखना पड़ता है, इसलिए फ्लावर को मुझे यहाँ पे देना पड़ता है। अच्छा लगता है, एक फ्रेश फ्रेश फील होता है। ऐसा कुछ रीज़न नहीं है, आप कोई भी जगह पे फ्लावर रखोगे ना तो एक माइंड पे भी फ्रेशनेस आता है। बोलते हैं दरवाजे के बाहर सामने या टेबल पे कहीं पे रखो तो एक घर पे घुसे या घर पे बैठे रहे तो मन को एक खुशी खुशी दे ना, फ्लावर हमेशा खुशी ही देती है। और अभी स्वीटी नहाने गई है तो स्वीटी बोली रोज तो मैं 5 बजे उठ के नहाती हूँ, आज लेट करके नहाऊंगी। मैं बोला क्या मान काम कर रहा है लेट करके नहा रहा है, ठीक है ना, रोज ही मतलब ऐसे सुबह सुबह उठ के सब कुछ काम करना पड़ता। मैं अभी सैटरडे इसीलिए थोड़ा लेजी लेजी चलती हूँ, एटलीस्ट एक दिन मेरे लिए सैटरडे ज़्यादा मतलब लगता है लेजी लेजी हिसाब से आप स्पेंड कर सकते हो। संडे जैसे संडे बहुत बिजी रहती हूँ, संडे सुबह में उठते उठते ही तो मतलब दिन लेट हो जाता है, उसके बाद संडे तो खाना अच्छा अच्छा खाना बनाना पड़ता है, मतलब किचन में आधा टाइम निकल जाता है। सैटरडे थोड़ा सा माइंड फ्रेश जैसा मतलब लगता है ना, सुबह से मतलब कछुआ जैसा काम करो अच्छा भी लगता है, कछुआ जैसा काम कभी कभार करना चाहिए, करके देखना अच्छा लगता है। इतना मतलब खरगोश जैसा भागते रहो हम लोग, कछुआ जैसा भी होना चाहिए कभी। दोपहर के लंच के लिए बनाऊंगी कॉर्न राइस, स्वीटी ने तो बोल दिया, वो कॉर्न राइस के लिए बेबी कॉर्न और जो मतलब स्वीट कॉर्न होता है ना मकई जिसको बोलते हैं, उसको मैंने बॉयल करने के लिए दूंगी अभी। वो सब मिला के और अनियन और गार्लिक और थोड़ा सा हर्ब्स मिला के, मैं तो ये वाला यूज़ कर रही हूँ फैब इंडिया का गार्लिक और पार्सले वाला, ये
ये ड्राई गार्लिक और पार्सले रहते हैं और चिली फ्लेक्स ये यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो पिज़्ज़ा में देते हैं ना हर्ब्स या पास्ता में देते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा पास्ता पास्ता पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा खुशबू आता है। तो पहले शुरुआत करें, दिया है उसमें डालूंगी चॉप गार्लिक और चॉप अनियन। चॉप गार्लिक पहले थोड़ा सा भून जाए, गार्लिक हल्का सा भून चुका है, इस टाइम पे मैं दूंगी चॉप अनियन थोड़ा मोटा मोटा करके काट के। अनियन हल्का सा भून चुका है, इस टाइम पे दूंगी मैं बेबी कॉर्न। बेबी कॉर्न को छोटा छोटा लंबा लंबा करके काट लिया, ये भी डाल दूंगी एक साथ। और सॉल्ट और ये जो बेबी कॉर्न है इसको थोड़ा सा मैं ढक के पकाऊंगी, 2-3 मिनट ढक के मैं पकाऊंगी। और ये बेबी कॉर्न भी हल्का सा पक चुका है और इसमें अभी मैं डाल दूंगी स्वीट कॉर्न जो मैंने बॉईल करके रख दिया। और अभी इसमें मैं राइस डालूंगी। तो फाइव इंडिया का हर्ब्स है वो भी डाल दूंगी, आप पिज्ज़ा हर्ब्स या पास्ता हर्ब्स डाल सकते हो, थोड़ा ज़्यादा करके डालूंगी अच्छा लगता है। राइस मेरा बन चुका है, अभी चलो खाना खाएं। और देखिए स्वीटी कहाँ पे बैठी हुई है, मैं खाना बनाती हूँ हमेशा ही ऐसा करके आके बैठ जाती है। मैं बोला तू यहाँ पे आके बैठ, नहीं नहीं यहाँ से व्यू अच्छा दिखता है, मतलब आप सोचो यहाँ से खाने का व्यू अच्छा दिखता है, मतलब इसीलिए वो यहाँ पे आके बैठ जाती है, मजा करते है देखो। बहुत अच्छा बना, बहुत टेस्टी बना है, छुट्टी को बहुत पसंद है ये, वो टिफिन में भी लेके जाती है। आप अगर ये सारे चॉप करके फ्रिज में रख दो ना सुबह में उठ के टिफिन में बनाने के लिए बहुत इजी हो जाता है, बहुत यम्मी बनता है, बच्चे तो एकदम खुस खुस खा लेंगे। छुट्टी बोलते हैं ना पिज्ज़ा पिज्ज़ा पास्ता पास्ता जैसा खुशबू आता है। छुट्टी को इस टाइप का राइस कोई भी मतलब सैटरडे मतलब कुछ अच्छा वाला राइस टाइप का होना चाहिए, और नॉर्मल दाल चावल और सब्जी मतलब बोलते वो तो रोज ही खाती हूँ, सैटरडे कुछ थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो। देखो मेरा एक्टिंग कर रही है कितना बदमाश है। स्वीट कॉर्न है ना मैंने इसको बॉयल किया है, बॉयल करके ही डालिएगा, क्योंकि अगर आप सब्जी में जब मैंने बेबी कॉर्न फ्राई करी थी उस टाइम पर डाल दोगे ना तो वो एकदम सिकोड़ जाता है, अजीब टाइप का खाने में हो जाता है। और बॉयल करके तुरंत पानी को मतलब ड्रेन मत कीजिएगा, बॉयल करके मतलब 2-3 मिनट एटलीस्ट पानी में रहेगा। जो स्वीट कॉर्न होता है कोई भी मकई ले सकते हैं, वो एकदम गोल गोल रहता है। ठीक है मुसर, अरे मच्छर, मैंने क्या किया पता है, ये ब्लैक वाला ड्रेस पहना आज, स्वीटी बोले इसीलिए आपके पास ही मच्छर आ रहा है। हाँ सचमुच मैं जहीं पे जा रही हूँ उसी तरफ मेरे साथ मच्छर आ रहा है, काला वाला ड्रेस पहन भी नहीं सकती देखो क्या जी। फिर बोल रही है ब्लैक ड्रेस मत पहनो, ब्लैक ड्रेस पहनोगे ना तो जो मच्छर है ना वो सोचेंगे ये हमारे रिलेटिव्स है, क्या अजीब। देखो मैं मच्छर का रिलेटिव्स हूँ, अभी बारिश थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है ना, मच्छर आ रहा है तो कितना खिड़की दरवाजा बंद करके रखूँ ना, वो पॉसिबल ही नहीं है। मस्कीटो नेट तो खिड़की में है, दरवाजे पर नहीं लगा सकती, दरवाजे पर लगाने से ना वो एक घुटन घुटन जैसे लगता है, मुझे एकदम ही पसंद नहीं है। अभी मच्छर तो वो मच्छर मारने वाला रैकेट को इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेमन ग्रास का ऑयल आता है ना वो मैं देती हूँ।
क्या कर रहे हैं पता है, खाना खा लिया, मैंने थोड़ा सा सोई थी, स्वीटी धकल धकल के मुझे उठाई, बोलो चलो चलो मेरे साथ खेलो। अभी क्या कर रही हो, चाय चाय खेल रही हो। ये मेरी वाली ओरिजिनल सेट है, वो उसका है, वो छोटा वाला, लेकिन ये सेरेमिक का है, ये एग्जीबिशन से लिया था, 200 या 300 का लिया था कुछ ऐसा वाला, लेकिन ये ओरिजिनल आप चाय पी सकते हो, ठीक है, बहुत क्यूट है, इसलिए इसको मैंने रखा है वहां पे सजा के रखती हूँ। तो स्वीटी बोलते आप मेरे खिलौने भी सजा देते हो। चाय चाय कॉफी चाय। अच्छा ये तो कॉफी, अच्छा ये वाला बड़ा वाला मेरा जो सेट है वो कॉफी का और वो चाय वाला, मुझे चाय वाला चाहिए। किसको किसको चाय पीना है, आज आप एक दिन मैंने इसमें चाय पिया था, ओरिजिनली चाय पिया था, ठीक है, बहुत कम इतना कम क्वांटिटी में आता है ना, मतलब हाँ दो सिप में, दोनों का एक सिप में ही खत्म हो गया था, और इसमें कितना छोटा सा है ना, इसमें कितना एक कप भी नहीं आता, हमारे जो नॉर्मल कप है ना उसका एक कप भी नहीं है। दे चल दे अम्मी मिक्स करो, तभी मिक्स ही कर दिले तो अलग ही मजा आसलो। देखो चाय मिक्स करने वाले चम्मच थोड़ा बड़ा हो गया, अच्छा चाय बनी है स्वीटी ने, अच्छा बना है, लेकिन ये तो एक ही बार में खत्म हो जाएगा। करते थे आप लोग भी बताना, तो ऐसे झूठ मूठ की चाय बनाना बचपन पे या अभी भी कोई बच्चे के साथ या किसी का भाई के साथ या बहन के साथ ऐसा झूठ मूठ का चाय पीना कैसा लगता है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं तो करती थी बचपन पे, हम तो बचपन पे जब खेलते थे ना, अभी भी करती हूँ स्वीटी के साथ तो करती हूँ। ये तो कॉफी का फ्रॉथ बना रही है, साफ करती है, पानी साफ हो रही है, ये कैसा आवाज है, पानी का नल का आवाज। ये लोग तो मिट्टी लेके नीचे खेलती है, केक बनाते हैं, मिट्टी लेके केक बनाते हैं, कीचड़ मिट्टी ऐसा ऐसा खोद खाद के गड्ढा बनाते हैं, उसमें पानी डालते हैं, वॉल्केनो बनाते हैं। ये लोग बाप रे सचमुच मैंने देखा है, और ड्रेस को एकदम काला करके आ जाते हैं, अभी बारिश आने के लिए नहीं खेल ले पा रही है, मैं दिखाऊंगी ये लोग क्या करते हैं कभी कभार। किसको किसको कॉफी पीना है, आ जाओ स्वीटी कॉफी बना रही है, देखो कॉफी कैसा बना देखती हूँ, मिक्स कर लिया मैंने, अच्छा बना, अच्छा बहुत अच्छा बना, चाय से भी अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना, आप घर पे जरूर ट्राई करना, स्वीटी का कॉफी जरूर ट्राई करना, अच्छा बना अच्छा बजा रहा है ना, टिक 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 का क्या हो गया। तो अभी मैं स्वीटी के साथ थोड़ी देर खेल लूँ, मुझे सोने भी नहीं दे, मैं देखो ना आपके ऊपर में जाके सोऊंगी, वो चाय बनाएगी मैं सोऊंगी ना, चाय बनाने में टाइम लगता है ना, तभी थोड़ा सा खेल लूँ, उसके बाद शाम को शांत रहेगा, उसके बाद थोड़ा बाहर जाना है, कुछ एक इम्पोर्टेंट काम करना है। ऑफिस से आ गए तो पहले मैं चाय बनाई, हाँ टाइम तो बैग रेडी करो जगह पे जहाँ पे केरला के लिए आप कुछ डोनेट करते हो वो जगह अभी उस शांतन बोले 6 बजे बंद हो जाता है, मतलब 2 दिन एक काउंटर जैसा बैठा है चेंबूर पे, वहाँ पे तो कुछ भी मतलब घर का सामान, बच्चों का ड्रेस या ग्रोसरी से लेके प्रेशर कुकर, मेरे एक प्रेशर कुकर है 5 लीटर का वो भी दे दूंगी। तो अभी सातरो बोले जल्दी करो, जाते जाते बहुत टाइम लग जाता है ना, अभी सातरो ऑफिस आएगा तभी ना जा पाऊंगे, तो 2 मिनट रेडी हो जाओ। फोन नंबर है क्या था, फोन कर देखो ना, सातरो फोन करके देख रहे हैं, 5:45 सिटी का काफी सारे ड्रेस है छोटा छोटा मतलब थोड़ा सा छोटा टाइट हो जाता है ना साइड से, बहुत अच्छा अच्छा है,
ऐसे मतलब नॉर्मल किसी को देने से ज्यादा कहीं पे कुछ काम आ जाए। क्या अभी नेल पॉलिश लगाई, उसको ड्राई कर रही है, देखो ऐसे ऐसे करके ड्राई कर रही, देखा कैसे करके ड्राई करती है नेल पॉलिश, देखो ऐसे करके ड्राई कर रही है, हवा लगे जाए बोले स्वीटली लगे जाए बस ना भजिया बना रहा है, स्वीटी बोल रही है कोई पूरी बना रहा है, पूरी का खुशबू आ रही है, तो मैं बोले सुनते सुनते चले जा, किसी आंटी नहीं बना रही होगे, भला रोज ले चुका है। और अभी हम लोग जा रहे हैं तो सामान तो मैंने भर लिया, जो भी लेना था ग्रोसरी से लेके कुछ कपड़ा स्वीटी का, और एक प्रेशर कुकर था, चादर था, काफी सारी चीजें था, लेकिन जल्दी जल्दी पहुंचे, मतलब ट्रैफिक ना मिला आई होप। और आज का वेदर देखिए कितना सुंदर सनी सनी वेदर है, बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। आज मुझे ड्राइव करना पड़ेगा क्योंकि वही दिखते के खोलता अब, अरे मेरा ये लॉक खराब हो गया गाड़ी का, और गाड़ी का की है मेरी बैग में, लो खुलो। आज मुझे ड्राइव करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ना मैप पता है ना रास्ता पता है, तो चले जल्दी जल्दी। डोनेट करना था वो हो गया, गुंज का पिकअप पॉइंट है, गुंज का काफी सारे जगह पे पिकअप पॉइंट है, आप अगर किसी को डोनेट करना है तो उनका ऑनलाइन साइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं, गुंज बोले के एक एनजीओ है उन्हीं का ही होता है। नॉर्मल टाइम पे भी आप डोनेट कर सकते हो, बच्चों का मतलब ड्रेस से लेके सब कुछ ही वहाँ पे आपको मेंशन किया रहेगा आपको ऑनलाइन साइट पे, क्योंकि इस टाइम कैश से ज्यादा ये सब चीजें उन लोग खुद ही बोल रहे हैं कैश से ज्यादा, क्योंकि कैश देंगे तो आप
उन लोग के ही खरीद के देना पड़ेगा। इससे ज्यादा घर का कुछ सामान अगर दे पाए तो बहुत ही अच्छा है। वो बच्चों का ड्रेस, साड़ी, प्रेशर कुकर 5 लीटर 3 लीटर ले रहे थे, लेकिन ISMR होना चाहिए, और चादर, मस्क्यूटो नेट, छाता, और वो तिरपाल बोलते हैं ना जो घर के छतों में बिछाते हैं, वो सबसे ज्यादा अभी डिमांड है। ऑनलाइन से भी आप उसको ऑर्डर करके भी डोनेट कर सकते हो। ऑनलाइन जो साइट है गूंज का, वहाँ पे जाके आपको डिटेल्स सारे मिल जाएंगे। एक जन हेल्प करेंगे ना तो बहुत ही छोटा है, क्योंकि जो डिजास्टर हुआ है, जो जितना हुआ है उसके मामले में हम जो कर रहे हैं बहुत ही छोटा है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं चेंबूर थोड़ा घूमने के लिए, देखते हैं चेंबूर। मैं ये साइड का चेंबूर कभी नहीं आई, आई थी लेकिन इतना अंदर तक नहीं आई। देखते हैं कैसा, अभी मैं हूँ चेंबूर जो गोल्फ क्लब है उनके आसपास ही हूँ, तो देखते हैं कैसा है। जगह बहुत अच्छा लग रहा है। जो रेस्टोरेंट में खाया उसका नाम सुनाओ, दमादम मस्त कलंदर, और ये सिंधी रेस्टोरेंट है, फिश वाला सबसे टेस्टी, और वो पोटैटो जरूर ट्राई करना। क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बोला था जो आप जो डिशेस ट्राई करते हैं एटलीस्ट वहाँ पे नाम लिख देना। मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट टाइम से हर बार वो नाम याद रखे, या बिल रखना पड़ेगा पहली बार, तो वो मेंशन कर दूंगी ताकि जो आए नेक्स्ट टाइम तो उनके लिए भी इजी होता है। बहुत अच्छा खाना हो गया, पेट भी शांत है अभी। और हम लोग सायन ट्रम्बे रोड चेंबूर में ही है। ये जगह मैं बहुत दिन बाद आ रही हूँ, बहुत दिन की। गरम है वो भी। और अभी हम घर आ गए, और स्वीटी का ये राखी का गिफ्ट है, जब स्वीटी राखी का गिफ्ट नहीं है, हम दोनों क्या कर रहे थे वो दो राखी का गिफ्ट लेके। ये है स्वीटी का राखी का गिफ्ट, ब्रूम ब्रूम। ये देखो एक छोटा सा वोल्क्सवैगन, ये वाला ऐसा मेटल वाला कार है ये पुशबैक। और ये किसका किसका याद है, ये बचपन पे स्कूल बस होता था। ये वाला ज्यादा अच्छा लगा, ये छोटा वाला। किसने किसने गाड़ी खेला बताना, तो क्योंकि गर्ल्स ने बहुत कम शायद गाड़ी खेलते हैं, गुड़िया लेके खेलते हैं, लेकिन किसने किसने कार लेके खेलते थे बचपन पे, और किसका कौन सा कार था मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मुझे गाड़ी बहुत पसंद था। मेरा एक उडन वाला गाड़ी था बहुत बड़ा, जिसमें मैं मिट्टी भरती थी और खींच खींच के लेके जाती थी।
मैं क्या कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ और अभी बज रहा है 11:10। कल संडे है ना, तो कल संडे में वीडियो आप लोगों के लिए सरप्राइज है, तो उसी की तैयारी हो रहा है। ऑलमोस्ट हो चुका है, मैं करके गई थी, तो अभी फिनिशिंग एक बार देखना पड़ता है ना वो लास्ट में। सके तो मैं अभी से सैटरडे नहीं तो संडे वीडियो जाएगा ही जाएगा, ऑलमोस्ट मैं जितना हो सके मेरी तरफ से कोशिश कर, क्योंकि काफी सारे फ्रेंड्स हमेशा सैटरडे संडे बोलते हैं आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा दी मैत्री, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो वो अच्छे के लिए बना रही हूँ ना। रक्षाबंधन है ना, तो कुछ मिठाई लाई, ये दो पेड़ा लिया, दो टाइप का पेड़ा, ये सांतोनो स्वीटी मैंने खाने वाली, क्योंकि और ये कलाकांत, लेकिन इसमें फ्लेवर दिया हुआ है, रोज वाला कलाकांत है, मुझे एकदम ही फ्लेवर वाला पसंद है, और ये स्वीट बंगाल वाला मुझे बहुत पसंद है। बंगाल से थोड़ा सा मिठाई लाई, क्योंकि बंगाली के लिए ये मिठाई बहुत कम है, तो ये भगवान के प्रसाद के लिए भी कल हो जाएगा, और ये तो घर के खाने के लिए। और अभी मैं क्या कर रही हूँ पता है, फ्रेश हो गई, आके बैठ गई, चाय लेके बैठी हूँ, ये एक हल्दी वाले चाय है, और हिचकी देख रही हूँ, हिचकी रानी मुखर्जी का, बहुत अच्छा लग रहा है मूवी, डिफरेंट टाइप का है, इसमें किसने देखा मुझे बताना। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट्स करना, अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन नीचे रहता है उसको जरूर दबाना, तब के लिए बाय बाय, गुड नाइट, और हिचकी देख के आपको कल बताऊंगी कैसा लगा, बाय।